हेलो गाइस, मैं हूँ साजिबुत। आज मैं आपके लेकर आया हूँ थार का एलेक्स वेरिएंट कन्वर्टेबल पेट्रोल में। तो भैया ज़रा बताएंगे इसके बारे में, इस गाड़ी में क्या स्पेसिफिकेशन मिल जाती हैं, क्या ये अपने प्राइस को जस्टिफाई करती है, बताओ भैया ज़रा। अगर इस गाड़ी की बात करते हैं तो ये आपका एलेक्स टॉप मॉडल आता है, ठीक है। दो वेरियंट आते हैं, एक सी टी कन्वर्टेबल टॉप, ठीक है, आता है इसमें, और एक एस टी आता है हार्ड टॉप, ठीक है। ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों ट्रांसमिशन में आती हैं, ठीक है। जो गाड़ी हम देख रहे हैं ये पेट्रोल ट्रांसमिशन है, ठीक है। आपको एम स्टेरिंग टी जी डी आई इंजन मिलता है। भैया कितने सीसी का मिल जाता है इंजन में? इंजन ये जो मिलेगा आपको 2000 सीसी का इंजन मिलता है पेट्रोल में, आपको एम स्टेरिंग टी जी डी आई के साथ। और अगर इसके टॉर्क और पावर की बात करें, बी एच पी की बात करते हैं तो 150 बी एच पी है इसके, और 300 Nm का टॉर्क मिलेगा आपको मैनुअल ट्रांसमिशन में, और 320 Nm टॉर्क मिलता है आपको डीजल उसमें, सॉरी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में, ठीक है। इसमें आपको करंट डी आर लाइटें मिल जाती हैं, एलईडी जो मिलेगी आपको एलईडी मिल जाएगी इस वेरियंट में, ठीक है। और भैया अगर की बात करें तो की कैसी मिल जाती है इसकी? की जो मिलेगी इसमें आपको वही आपको सेंटर लॉक के साथ वन की मिलेगी, मतलब स्कॉर्पियो टाइप की ही की है, बिल्कुल दोनों का सेम आता है। इसमें आपको जरा दिखाना, ये आपको लॉक अनलॉक और ये बीच का क्या है, ये आपको गाड़ी फाइंड करने के लिए जो अलार्म होता है। अच्छा, मतलब गाड़ी फाइंड करने के लिए, कहीं हमने में पार्किंग में खड़ी कर दिया तो हमें कैसे मिलेगी? बस बहुत गाड़ी आकर लग गई तो ये आपको जल करके संजय देगी, ठीक है। आपको मिल जाती है आपको जाली के साथ, ठीक है। आपको ड्यूल टोन बम्पर मिलता है, ठीक है, सिल्वर के साथ, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे फोग लैंप की प्लेसमेंट हो जाएंगी इसमें मिल जाते हैं। अगर इसमें हम एएक्स की बात करें तो क्या उसमें फोग लैंप होंगे? एएक्स की बात करते हैं तो उसमें फोग लैंप नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, फोग लैंप नहीं आएंगे, ठीक है। और अगर आगे से कोई चेंज होगा और कोई वो सेम रहेगा, और ये ब्लैक में आ जाएगा हमारा, आ जाएगा आपका, तो भाई टोटल बम्पर जो होगा वो ब्लैक में होगा। अच्छा भैया, हम अगर सारे एक्स मॉडल लेके उसमें एसेसरीज का पार्ट लगवा के क्या इसे ये लगवा सकते हैं कुछ इस तरह का सिल्वर टाइप? ये पार्ट में आता है, आप ऐड करा सकते हैं उसको, ऐड करा सकते हैं, एसेसरीज में भी लगवा सकते हैं। अगर एक से ले लेते हैं तो उसमें भी करा सकते हैं, जैसे एलईडी लाइट है आपको उसको नहीं करा सकते आप उसको, ठीक है। एलईडी लाइट मिल जाती है इसमें आपको, उसमें नहीं मिलेंगी? नहीं उसमें नहीं, उसमें सिंपल होंगी, ठीक है। इसमें अगर साइड फेसिंग से बात करते हैं तो इसमें आपको 18 इंची का एलॉय व्हील मिलता है, जो इस सेगमेंट में हायर एंड किसी गाड़ी में नहीं है। अच्छा, अगर टायर साइज की बात करें तो हमें मिल जाता है 255, 65 और 18, यस, ठीक है। ये ऑल टेरेन टायर मिल जाते हैं इसमें, टेरेन टायर है आपके, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब भैया इसके जरा साइड लुक की बात कर लें तो यहाँ पे थार की बैजिंग मिल जाती है आपको, मिल जाएगी साइड में, ठीक है, बैजिंग इसमें आपको मिलती है, पर बैजिंग ये आपको इसमें मिलती है, इसमें ORVM में मिल जाएंगी हमें थार की बैजिंग। और अगर इसके फ्रंट लुक की बात करें तो यहाँ पे 2 वाइपर और 2 वॉशर मिल जाते हैं इसमें। भैया रेन सेंसिंग वाइपर का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है? ऐसा कोई ऑप्शन नहीं आएगा आपको, ठीक है। साइड ग्राफिक की बात करते हैं इसकी आपकी, साइड ग्राफिक की बात करते हैं तो गाड़ी की जो टोटल आपको लेंथ मिलती है, ठीक है, 195 mm अगले टायर से लेके पिछले टायर तक जो मिलती है, टायर वो आपका जो कहना था वो व्हील बेस कहलाएगा, ठीक है, 2450 Nm का व्हील बेस मिलेगा, ठीक है, ठीक है। और अगर इसकी हाइट की बात करें तो, अगर हाइट की बात करते हैं इसकी गाड़ी की तो इसमें आपको 1844 जो मिलती है आपको टोटल हाइट मिल जाती है, हार्ड टॉप और कन्वर्टेबल टॉप दोनों, ठीक है, 1844 की आपको हार्ड टॉप मिल जाएगी, ठीक है। और गाड़ी की अगर चौड़ाई की बात करते हैं, आपकी विड्थ की बात करते हैं, विड्थ जान की दोनों टायर के जो बीच का गैप होगा ये 1820 mm आपको विड्थ मिलती है, जो गाड़ी की चौड़ाई वो 1820 mm, ठीक है। अब अगर इसका हम डोर हैंडल की बात करें तो आपको बॉडी कलर नहीं मिलेंगे? नहीं नहीं, नॉर्मल आपके डोर हैंडल आएंगे, ठीक है। आपका मैनुअल लॉक का ऑप्शन भी दिया हुआ है, सेंटर लॉक के साथ आप इसको मैनुअल लॉकिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमारी मतलब रिमोट कंट्रोल की बैटरी डाउन हो जाती है तो आप वैसे भी कर सकते हैं? ये वेरियंट है अपना कन्वर्टेबल टॉप वेरियंट है, ठीक है, फोल्ड कर सकते हैं। फोल्ड होने के बाद ऐसा कुछ लुक आ जाता है इसका बैक में, ये पूरा फोल्ड हो गया था, जिप्सी टाइप ही बन जाती है, यहाँ फोल्ड हो जाता है। अच्छा, अगर इसके बैक की बात करते हैं 4x4 की यहाँ पे बैजिंग मिल जाएगी आपको 4x4, और यहाँ पे थार के कुछ ऐसे आपको बैजिंग मिलती है थार की, ठीक है, ये टेल लाइट है, टेल लाइट हम इनको बोलते हैं, ठीक है, ये भी आपकी बैजिंग के साथ आएगी। और अगर स्टेपनी टायर की बात करें, इसकी बात करते हैं, स्टेपनी का जो टायर आएगा वो भी आपका सेम साइज और एलॉय व्हील के साथ आएगा, ठीक है। वो बैक में मिल जाएगा वैसे, नहीं जैसे नीचे वीचे कोई ऑप्शन नहीं, मतलब पूरी जिप्सी वाली लुक दी हुई है सर, वो बैक में ही आपको मिलेगा, ठीक है। इंटीरियर की बात करते हैं, दो इसमें पीछे रिवर्स पार्किंग सेंसर मिल जाएंगे, पीछे रिफ्लेक्टर मिल जाएंगे, ठीक है। अगर इंटीरियर की बात करते हैं तो साइड में आपको इसमें ड्राइवर सीट पे कुछ नहीं मिलेगा इसमें आपको, ठीक है, आपको यहाँ बोतल होल्डर्स मिल जाएंगे, ठीक साथ है। में ये जो आपका नॉब मिलेगी ये आपको साइड के जो शीशे हैं इनको यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं लेफ्ट और राइट दोनों। अगर हम AX की बात करते हैं तो क्या वो सेम आएगा? AX में भी सेम आएगा, AX में ओवर में एडजस्टर नहीं होगा पर? नहीं नहीं, ये जो आएगा ये आपके AX में भी आएगा,
AX ऑप्शनल। अच्छा, अगर इसकी मतलब ओवरव्यू की बात करें तो AX में, AX ऑप्शनल में आपको ये मिलता है, AX में नहीं मिलेगा। ठीक है, AX सबसे बेस और AX ऑप्शनल से ऊपर ला है, फिर उसके बाद LX वेरिएंट, फिर उससे बाद LX आ जाता है। अंदर की बात करें तो आपको कुछ इस तरह के इसके सीवेंट्स की एंट्री मिलेगी। ठीक है, आपको जो इसमें हाइट एडजस्टेबल इसमें सीट आ जाएगी आपकी। ठीक है, वही लेदर टच के साथ इसकी साइड की सीटें होंगी आपकी। ठीक, हाइट एडजस्टेबल इसमें कर सकते हैं। जैसे आपने देखा इसकी जो अंदर की मैट की बात करते हैं, ये आपकी वॉशेबल है, ये वॉशेबल मैट मिल जाते हैं, पानी भी अगर अंदर जाता है ये निकल जाएगा, ये आपका वॉशेबल। अच्छा, ये जो आपकी ये पावर विंडो नहीं दी हुई, इसका ये कारण है कि दो दी है नहीं, अगर ये डोर पे नहीं दी हुई, डोर पे इसलिए ये डोर निकाल सकते हैं ये हम डोर पे। एक्चुअली होता क्या, जब हम किसी एडवेंचर पे जाते हैं, बाहर घूमने जाते हैं, तो वहाँ क्या करते हैं, हम सफारी ज्यादातर ड्राइव करते हैं, तो उसमें क्या है कि आराम से एंट्री हुए, एग्जिट इन एट आउट होते हैं, तो उसमें क्या है, ये हम उतारते हैं। इसीलिए यहाँ पे ना ही तो स्पीकर्स दिए हुए हैं, ना ही ऐसा कोई जो है कि ताकि कोई दिक्कत, इसलिए स्पीकर्स तो दिए हुए हैं। इसके फ्रंट यहाँ डैशबोर्ड पे नीचे स्पीकर्स दिए हुए हैं, दोनों साइड हुए हैं जी, बिल्कुल। पीछे का तो कोई ऑप्शन नहीं मिलता, पीछे का कोई स्पीकर्स का वो नहीं मिलता, स्पीकर्स फिर आपको मिल जाते हैं ऊपर रूफ पे, ऊपर रूफ पे मिल जाएंगे, दो स्पीकर यहाँ पे मिल जाएंगे विद दो ट्विटर जी। अगर इसके हम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो ऐसा कुछ इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है, ऑडियो कंट्रोल स्टीयरिंग के साथ आपको मिलेगा, इसमें भी आप स्टीयरिंग जो मिलेगा। ठीक है, इसमें कुछ पुश स्टार्ट स्टॉप बटन का कोई ऑप्शन नहीं मिलता है? इसमें आपको इसमें पुश स्टार्ट नहीं, नॉर्मल स्टार्टिंग रहेगी, इसमें चाबी वाली रहेगी, और चार एसी वेंट मिल जाते हैं, और ये क्या आपकी एप्पल कार प्ले और एंड्रॉइड ऑटो दोनों को सब सपोर्ट करता है, ऐसा कुछ इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाएगा। अच्छा भैया, अगर इसे हम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो इधर पे ये आरपीएम और इधर पे स्पीड मीटर आ जाता है, और यहाँ पे ये बताता है आपका गेट खुला हुआ है, मतलब सारी एमआईडी में पूरी इन्फॉर्मेशन मिलती है, यहाँ पे फ्यूल का और यहाँ ऐसा कुछ इसका हो रहा है। एक स्पीकर इसका यहाँ पे मिल जाता है, अगर उसकी ग्लो बॉक्स की बात करें तो ऐसा कुछ छोटा सा ग्लो बॉक्स मिल जाता है, काफ़ी छोटा है, इसमें आप केवल अपनी डायरी पाई रख पाएंगे। यहाँ पे ग्रैब होल्डर मिल जाता है, ये बैजिंग मिलती है महिंद्रा की इसमें सीरियल नंबर के साथ। ठीक है, आप पता चलता है कि ये गाड़ी किस सीरियल नंबर की है, हाँ सीरियल नंबर जो गाड़ियाँ अभी तक कंपनी ने जो बनाई है उसमें कितना नंबर है इस गाड़ी का, मतलब ये हमारी 29,194 भी यूनिट है, केवल अब तक इतनी ही गाड़ी बनी है। हाँ, ये उस नंबर की गाड़ी, उस नंबर की गाड़ी है ये। ठीक है, और अब इसके बीच अगर इसकी बात करते हैं तो म्यूजिक सिस्टम आपको मिल जाता है आपका, ये आपका एप्पल कार प्ले और एंड्रॉइड ऑटो दोनों को, ये स्कॉर्पियो वाली है, कुछ डिफरेंट है। इसमें क्या मिलेगा, एक इसमें एडवेंचर का आपका आ जाता है, आप इसमें एडवेंचर क्लिक करते हैं तो एडवेंचर में आपको मिल जाती है जो ये यहाँ पे भी आपको टॉर्क पावर कंपस वगैरह ये आपको दिखाएगी, कंपस भी आ जाता है इसमें आपका। क्लस्टर में आपको इधर आपको स्पीड मीटर मिल जाता है, इधर आरपीएम मीटर मिल जाते हैं, बीच में आपको डोर के वो मिल जाते हैं, प्लस फ्यूल का इग्निशन मिल जाता है, ठीक है, आपको इंडिकेट करेगा और आपको डोर का भी इंडिकेट करेगा जब ये बिल्कुल ये डोर खुलेगा तो आपको यहाँ डोर भी इंडक्ट करता है, जिस साइड का भी आप डोर खोलेंगे वो भी इंडक्शन है यहाँ पे आपका। इधर ये आपके कंट्रोल मिल जाते हैं बिल्कुल, और कॉल के, और इधर आपको क्रूज कंट्रोल मिल जाता है बिल्कुल। ठीक है, अब इसकी जरा इधर ये आपके वाइपर के कंट्रोल, उधर लाइट के कंट्रोल हो गए। अब इसके म्यूजिक सिस्टम के बारे में आ जाते हैं, म्यूजिक सिस्टम की बात करते हैं तो सेम आपका जैसे स्कॉर्पियो में, बट इसमें कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा हैं, जैसे कि यहाँ पे आप जाते हैं तो रेडियो पे यहाँ डायरेक्ट जा सकते हैं, उसमें क्या है कि आप होम पे जाएंगे तो इसमें एक चीज़ एक्स्ट्रा दी है, क्योंकि जैसे कि एडवेंचर कार है तो एडवेंचर में हम किस उस पर चल रहे हैं, कि हमारी टॉर्क क्या है, हमारी स्पीड क्या है, वो आप अपने म्यूजिक सिस्टम पे भी देख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ कस्टम पे जाएंगे तो आपको जो जो देखना है, मानो आपको गाड़ी की टॉर्क देखनी है, पावर देखनी है, गाड़ी की स्पीड देखनी है, आपको पिच देखनी है गाड़ी का, व्हील एंगल देखना है, तो ये चार पाँच चीज़ें आप इसमें ऐड कर सकते हो, तो जब भी कभी गाड़ी आप ड्राइव करेगी तो ये अपना एंगल दिखाएगी, किस एंगल पर गाड़ी चल, मतलब स्टीयरिंग आपने किस साइड काटा हुआ है, टायर किस पोजीशन में है, ये सब एंगल दिखाएगी, अप एंड डाउन किस एंगल पे गाड़ी, अब साइड एंड, मतलब अगले टायर कुछ ऊपर पिछले कुछ नीचे, बिल्कुल इस तरह से ये अपने एंगल दिखाएगी, सेंटर में चल रही है वो यहाँ दिखाएगी, पावर यहाँ पे भी आपको जनरेट करेगी, किलोमीटर स्पीड यहाँ आएगी, टॉर्क भी यहाँ पहुंच जाएगी, ऑफ रोडिंग में यहाँ जा सकते हैं, ऑफ रोडिंग में सब कुछ दिखाएगी, कितने डिग्री पे आपकी गाड़ी किस झुकाव की तरफ है, किस पे खड़ी है, जैसे जैसे टाइम एंगल, अप्रोच एंगल, ये सब दिखाएगी ना आपका जो अप्रोच, हम गाड़ी आप मानो गाड़ी कहीं पहाड़ पे हम ड्राइव कर रहे हैं, वहाँ पे हम पहाड़ पे ड्राइव करते हैं तो हमारा अप्रोच एंगल होता है, ठीक है, तो वहाँ किस एंगल तक हमारी गाड़ी जा रही है वो यहाँ डिग्री आपका यहाँ पे आ जाएगी। ठीक एक है, होता है हमारा डिपार्चर एंगल, डिपार्चर एंगल क्या होगा कि किस डिपार्चर से हमारी गाड़ी नीचे उतर रही है, ठीक है, डिपार्चर एंगल में आ जाएगी आपकी, न्यूटन वगैरह सेंटर यहाँ दिखाएगी आपको, ये चीज़ें आपको दिखाती है, ये चीज़ें आप अपने फेसबुक ट्विटर और आपके क्या व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, ये चीज़ें भी शेयर कर सकते हैं, तो काफ़ी मतलब एडवांस करा हुआ है इस मामले में तो के साथ इसमें की हुई है।
इसमें यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल है, सिस्टम कंट्रोल आ जाएंगे। अच्छा भैया इन कंट्रोलर के बारे में और होता है, कंट्रोल की बात करें तो इसमें नॉर्मल एसी मिल जाता है आपको, ठीक है। ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल नहीं मिलेगा इसमें आपको, ठीक है। ये आपको यहाँ पे आपको फेस के लिए एयर मिलेगी, यहाँ पे आपको फेस और लेग दोनों पहचानते हैं तो इसको क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। लेग के लिए ये मिलेगा, ये आपको ये एयर वेंट के कंट्रोल दिए हुए हैं, एयर के कंट्रोल्स हैं ये, मतलब एसी के बिल्कुल। यहाँ अगर एयर बैग आपका डिस्प्ले हो गया तो ये यहाँ से ये लाइट जैसे दिख रही है जल रही है, इसमें लाइट है आपकी, ये आपकी लाइट जलनी बंद हो जाएगी अगर एयर बैग डिस्प्ले हो गया है, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा कुछ बटन दिए हुए हैं, ठीक है। आप कुछ भी जैसे कि आप होटल वगैरह कुछ भी कनेक्ट कर सकते हैं आप इसमें, इसमें चारों आपको इंडिकेटर्स मिल जाते हैं यहाँ पे, यहाँ चारों इंडिकेटर्स की बात करें तो यहाँ मिल जाता है आपको, ठीक है। बाकी ये आपको 4x4 के लिए ये गियर लीवर यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें जरा बताओ आप ये फोर हम बात करते हैं तो इसकी बात करें तो ये 2-व्हील ड्राइव, 4 हाई, ये 2 हाई है और 4 ये हाई है और ये 4 लो है। 2 हाई की बात करें तो 2-व्हील ड्राइव पे हमेशा गाड़ी हमारी चलती है, 4 हाई के लिए हमें जब अगर 4 हाई पे लेंगे तो उसमें हमारे 4 टायरों को गाड़ी को बराबर मिलती है, 4-व्हील ड्राइव हो जाती है, ठीक है। 4L पे हमको जहाँ बिल्कुल क्रिटिकल कंडीशन होती है, मड वगैरह या वाटर वगैरह ज्यादा है और वहाँ पे गाड़ी है तो हम 4L पे डालते हैं और फिर गाड़ी को अपने आप ये गाड़ी की टॉर्क जैसा फॉर्च्यूनर में पहले हाई लो का सिस्टम आया करता था, वही चीज यही सिस्टम है। ये 4x4 का लीवर, ये ऑटोमेटिक जैसे कि आपने देखा ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है तो ये लीवर ऑटोमेटिक के लिए आपको दिया है। EMT मिलता है, CVT मिलता है, CVT कन्वर्टेबल है, CVT मिलता है, कन्वर्टर है, ठीक है। इसमें 2 पावर विंडो आपको यहाँ दी है फ्रंट वाली, ठीक है। साइड में ना देखिए यहाँ पे दी हुई है, डोर पे ना देखे, सेंटर कंसोल में दी हुई है क्योंकि डोर उतार देते हैं ना जैसे कि हमने बात की थी, ठीक है। और हम जब एडवेंचर पे जाते हैं तो डोर मैक्सिमम उतार दी जाती है, ठीक है। तो इसलिए बैगिंग यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। यहाँ पे आपको 2 कप होल्डर मिल जाते हैं ग्लास होल्डर की, ये आपको हैंड ब्रेक मिलता है क्रोम फिनिश के साथ, आपको इसकी लुक मिल जाती है क्रोम के साथ, इसका ये सॉफ्ट टच इसमें आपको मिल जाता है। यहाँ पे भैया क्या हमें वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन मिलता है? इसमें वायरलेस चार्जर का कोई ऑप्शन नहीं, यहाँ केवल स्पेस दिया हुआ है। यहाँ पे आपको USB ऑक्स बिल्कुल और दूसरा USB का 12 वोल्ट का यहाँ पे सॉकेट मिल जाता है, ठीक है। अब भैया इसकी तरह इसका रियर की बात करते हैं तो ऐसा कुछ मिल जाता है। अच्छा भैया अगर हमें रियर में जाना होगा तो इसमें क्या ऑप्शन होगा? तो फिर हम को ड्राइवर साइड से बताते हैं आपको। ये जो फुटरेस्ट है, फुटरेस्ट पे चढ़ने के लिए सेम ऐसे ही कलर मिलेगा सब में, या एक्स में कुछ अलग होगा? एक्स में थोड़ा पाइप टाइप मिल जाएगा। आप एक्स ऑप्शनल पे जाते हैं तो उसमें आपका मॉड्यूलर आ जाएगा, मॉड्यूलर फुटरेस्ट, ठीक है। आपका पाइप टाइप का, ठीक है, ठीक है। और उसमें जो एलॉय मिलेंगे वो भी स्टील रिम के मिलेंगे और 16 इंची का टायर मिलेगा उसमें, 16 इंची का मिलेगा इसमें, 18 इंची का मिलता है, ठीक है। अब भैया अगर आप फ्रंट की बात करें, ठीक है, फ्रंट में जैसे हम रियर में आप जाएंगे तो यहाँ पे एक बटन दिया हुआ है, ये आपका लॉक दिया हुआ है, ठीक है। इसको अनलॉक करेंगे तब पीछे आप एंट्री, पीछे फिर एंट्री कर सकते हैं और यही सेम आपके होल्ड हो जाएगी। और पीछे की स्पेस की बात करें तो ऐसा कुछ स्पेस मिल जाता है इसमें? रियर वाली सीटें भी आपकी फोल्डेबल हैं दोनों, अगर बूट आप 2 लोग हैं, बूट ज़्यादा है आपका, आप कैरी ज़्यादा लगेज है तो आप इनको फोल्ड करके या लगेज भी कैरी कर सकते हैं। अच्छा अगर पीछे की भैया बात करें तो पीछे का क्या इसमें? पीछे की अगर बात करते तो पीछे से हाथ से भी अनलॉक हो जाएगा आपका, ठीक है। आपको इतना बूट मिल जाता है अगर। अच्छा भैया बूट स्पेस कितना मिल जाता है इसमें? हमें इसमें जो बूट स्पेस मिलेगा 600 लीटर का आपको बूट स्पेस। अगर ये सीट हम फोल्ड कर देते हैं तो 600 लीटर का निकल के आता है। ये हमारा कन्वर्टेबल है, कन्वर्टेबल टॉप, ऐसी कुछ इसके रियर की लुक आ जाती है। तो गाड़ी वैसे काफ़ी मस्कुलर फील होती है, बिल्कुल लगता है कोई जिप्सी है। बाकी यहाँ पे पीछे तो आपको स्पीकर मिल जाएंगे इसके, और गाड़ी काफ़ी मस्कुलर। अच्छा टैंक कैपेसिटी की बात करें तो कितनी फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है इसमें? 7 लीटर, ठीक है। और अगर डीजल वाली देखें तो उसमें एड ब्लू का ऑप्शन कितना मिलता है? डीजल वाली भी इसके साथ ही। अच्छा इसके साथ ही भैया जरा खोलना है, मैनुअल ओपन होगा, चाबी के साथ ही। इसे चाबी से ही खुलेगा, अंदर से ड्राइवर की साइड से कोई ऑप्शन नहीं है, आपको पहले उतर कर आना पड़ेगा, फिर आप चाबी आपको फेंक देनी पड़ेगी। तो ये पेट्रोल है जैसे कि इसमें नहीं आता, उसमें जो फ्लू का ऑप्शन आएगा वो यहाँ पर आएगा, ठीक है। वैसे तो मारुति वाला कर, जैसे मारुति में आया करता था 800 में, सेम वही कर दिया। अच्छा भैया ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो कितना? ग्राउंड क्लियरेंस की बात करते हैं तो 219 का स्कॉर्पियो से ज़्यादा मिल जाता है उसमें। उसमें स्कॉर्पियो में कितना मिलता है? उसमें 190 190। सो गाइस भैया ये क्या दिया हुआ है इसमें? ये आपका एंटीना दिया हुआ है, ठीक है। TGDI 150 BHP, ठीक है। यहाँ बैजिंग दी हुई है, ठीक है। यहाँ से भी हम देख सकते हैं गाड़ी अपनी पेट्रोल है, डीजल है और ये आपका एंजन का पेट्रोल।
ये एंटीना मतलब एक तरह से ये मतलब जिप्सी टाइप दिखाता है, और अगर चाहें तो इसमें हम लगवा भी सकते हैं वो सिस्टम वो लगवा सकते, बट यही इतना ऑलरेडी होते हैं उसकी हमें आवश्यकता नहीं पड़ती, ये लुक इतना इनहेंस करता है, फिर वो एंटीना निकलेगा एक्स्ट्रा वो। ठीक है, सो गाइस वीडियो जैसी भी लगा आप कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।